आंखों से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ने लगा है। जी हाँ, खासकर बच्चों और प्रेग्नेंट महिलाओं में ये तेजी से फैल रहा है। इतना ही नहीं, आई फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आई कैंप भी लगाए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बारिश के दिनों में आई फ्लू फैलता कैसे है? एक्सपर्ट्स की माने तो बारिश के दिनों में गंदे पानी में नहाने और पसीने में काम करने से आंखों में इन्फेक्शन होता है। फिजिकल कांटेक्ट यानी आई फ्लू से इन्फेक्टेड लोगों से हाथ मिलाने और गंदे हाथों से आंख को रब करने से आंखों में इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन का सही इलाज ना किए जाने से इन्फेक्शन फैल सकता है और इससे आंखों की कॉर्निया इन्फेक्ट होने लगती है। अब जान लेते हैं कि आई फ्लू के लक्षण क्या है, जिससे इसको पहचान कर आप सही समय पर इलाज कर सकते हैं। इसके लक्षणों में सबसे पहले शामिल है आंखों का लाल होना, दूसरा आंखों में सफेद रंग का कीचड़ आना यानी मड जैसा कुछ दिखना, तीसरा आंखों से पानी बहना, चौथा आंखों में सूजन के साथ दर्द की शिकायत। अब जानते हैं इससे बचाव के लिए आपको क्या करना चाहिए। बता दें, इससे बचाव के लिए आपको संक्रमित व्यक्ति को छूने, उसके कपड़ों का उपयोग नहीं करना, साथ ही संक्रमित व्यक्ति को आंखों पर काला चश्मा इस्तेमाल करना चाहिए।